Welcome to a new vlog and today we are finally at IIT Indore. So, this bar GDET is collaborating with IIT Indore as a technical and outreach partner for Fluxus 2024. Fluxus जो है IIT Indore का annual tech fest और वो इस बार होने वाला है 7 से लेकर 9 मार्च तक. GDET इस बार help कर रहा है Fluxus को in their 5 technical events. उसमें पूरा overall management GDET देख रहा है, starting from rule book making, abstract submission, अरीना डिजाइनिंग, अरीना बिल्डिंग से लेकर जजिंग और विनर्स अनाउंसमेंट तक. एडिशनली एक इम्पोर्टेंट चीज, एसोर्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मिलना. अभी ना एक्चुअली बहुत सारे इवेंट्स हो रहे कॉलेजेस में, पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू कपल ऑफ रीजंस, बट GDET अश्योर्स यू एसोर्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. तो हम लोग इस बार बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ला रहे इस इवेंट के लिए. उसका तो आप कोऑर्डिनेटर से ही सुन लो अभी कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, तैयारियां कैसे चल रही है, और फाइनली कल 7 मार्च को हमारा इवेंट है. तो अभी देखते हैं कि कल ये वाला इवेंट कैसे जाता है. गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है IIT इंदौर Fluxus 24 का डे 1. आज बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं, जैसे कि रोबो रेस, रोबो सॉकर, पिक एंड प्लेस और रोबो सुमो. इस बार इवेंट सिर्फ होने ही नहीं वाले, तो GDET इस बार इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है. आपको जैसे पता ही है कि आधी टीम पहले 2-3 दिन पहले आई थी इवेंट का सब सॉर्ट करने, तो आज हम उनसे भी जाके बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या तैयारी की है और कैसे कैसे इवेंट होने वाले हैं. तो चलो यार देखते हैं कि आज क्या क्या होता है. दो दिन पहले आया था, सब सिंग सॉर्ट कर रहा था यहाँ पे. तो दो दिन क्या किया यहाँ पे? तो अभी दो दिन में मैंने क्या किया ये बताने से अच्छा जब आप पूरा इवेंट देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा. जितने भी यहाँ पे अरीनाज बने हैं, ट्रैक्स है, तो कैंपस हो गया, ऑब्स्टेकल्स हो गया, बार RC का है, सुमो का, सॉकर का, तो ये जो 5 के 5 अरीनाज है इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस जोन, दो दिन से इनके ऊपर काम चल रहा था कि भाई कहाँ पे ये बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और कितना ऑप्टिमम बनाए कि ये उतना अच्छा लगे, प्रोफेशनल लगे, साथ साथ ऑडियंस को भी उतना मजा और उतनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग. तो ये सारी चीज़ें करते हुए हमने ये पूरे 5 अरीना सेटअप किए हैं और ऑब्वियसली इवेंट में आपको पता चल जाएगा कि जो क्वालिटी काम हुआ इस बार. और दूसरी चीज़, बैकएंड में और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं. अभी करंटली अरीना तो बन गए, पर जब अभी पार्टिसिपेंट आएंगे उनके लिए शीट्स होगी, बाकी सारी चीज़ होगी, ये सारी चीज़ें हम 2 दिन से अरेंज करवा रहे हैं. और अभी फिर अगले अभी ये जो 2 दिन होंगे इवेंट के, इतना स्मूथली कंडक्ट हो गई हमारे यहाँ. सो ऑब्वियसली GDET के साथ तो आएगा मजा, खेल का बहुत मजा आएगा. So very good morning to everyone. We are genius idiots. Basically we are from a GDET and we are a tech startup and we are here to help students like you, जो बहुत enthusiastic है robotics के इसमें, technical इसमें. First of all I welcome you all to Fluxus 24 IIT Indore. Currently अभी यहाँ जितने भी participants है, I hope सारे obstacles के लिए आए होंगे. ये जो आपको arena दिख रहा है, this is for obstacles. ठीक है, तो currently अभी मैं इसका एक पूरा briefing दे दूंगा आपको, ताकि आपको एक पूरी आइडिया आ जाएगी कि एग्जैक्टली अरीना ट्रेस कैसे करना है. डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हो, पेनल्टीज कहाँ पे होंगी, स्कोरिंग क्राइटेरिया कैसे रहेगा, सारी चीजें अभी एक्सप्लेन की जाएंगी. स्टेप 1, मतलब कोई भी पार्टिसिपेंट है, स्टेप 1 होगा कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाना है और वहां जाके पहले आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है, एंड देन दे विल कम हियर एट द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टेप 2 है, यहाँ पे आना है आपको और आपका बॉट के डायमेंशन चेक किए जाएंगे. कैसे? यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया है, आपको अपने बॉट को इस बॉक्स में रखना है. अगर ये बॉट उस बॉक्स के अंदर प्रॉपरली आ रहा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड, मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए. वंस दिस इज डन, देन वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल राउंड. इसमें मुश्किल कोई भी चीज नहीं है, बहुत सिंपल एक रूल है, जो टीम या फिर जो पर्सन कम से कम टाइम में इस अरीना को ट्रेस करेगा वो जीत जाएगा. तो अभी मैं एक डेमो रन लेके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली पेनल्टीज कहाँ पे होंगी, पॉइंट्स कैसे स्कोर किए जाएंगे. वंस यू आर रेडी, देन 3-2-1 गो काउंट लिया जाएगा. Once the goal is announced, timer will start and then you can start your operating the bot. ठीक है? तो for example मैं यहाँ पे start कर रहा हूँ. ऐसे trace करते वक्त in case आपका अगर wheel इस line पर touch होता है, आपकी एक penalty count की जाएगी. Then यहाँ पे आता है अपना पहला obstacle. इसमें आपको इस bridge के ऊपर जाना है. Then you will go like this. Then you will clear like this. यहाँ से नीचे आ गए, थियरी चेक पॉइंट 1, मतलब आपने चेक पॉइंट 1 अरीना का कंप्लीट कर लिया. उसके बाद ये जो पाथ है ये आपको ऐसे ट्रेस करना है. तो यहाँ से आपको ऐसे इस बॉट को ट्रेस करते हुए आना है कि आपका बॉट बिल्कुल भी ब्लैक लाइंस को टच ना करे. यहाँ से वापस आप ट्रेस करते हुए यहाँ पे आओगे, देन अगेन वहां तक. एंड दिस इज हाउ द रन विल एंड.
गाइस यहाँ बहुत अलग अलग स्कूल से बच्चे आए हैं, पूरी इंडिया से बच्चे आए हैं और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत पॉजिटिव हो गया है। सारे बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि कैसे चल रहा है उनका प्रिपरेशन। सारे स्कूल से मिल लेंगे। चलिए, आप कौन से स्कूल से आए हो और कौन से क्लब से आए हो? हम दोनों चौधरी स्कूल नॉर्थ कैंपस से आए। और मैं शिशुकुंज नॉर्थ कैंपस से आया। मैं होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल से। तो आपने ऐसे कॉम्पिटिशन पहले भी किए हैं? Gone to a competition in Shri Vaishnav University. Then we participated in the obstacle avoidance, like the hurdle race and the line follower. But unfortunately, we couldn't win. Okay. So this time your spirits are high, I guess. Yeah. Then you're from which standard? I'm second standard. Second standard. Wow. So he's the youngest guy. कितने competitions खेले आपने? Ma'am, ये तो मेरा first competition. First competition. He doesn't like to lose. Definitely you will win. All the best for you. Okay, give it your best try. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। क्या क्या किया अब तक? अभी तक बहुत एंजॉय किया, खाना खाया और मजा भी किया इस रोबो रेस में। और ये पहली आईआईटी हमारी। पहली आईआईटी आपकी? वाओ। और कितने कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हो आप लोग? रोबो रेस ओके। तो उसकी तैयारी वगैरह कब से चालू है आपकी? हमारी तैयारी बहुत दिनों से चालू है, एक दो वीक से चालू है हमारी। एक दो वीक से? वाओ। और आप सब कौन से स्टैंडर्ड में हो? सिक्स और सेवन स्टैंडर्ड। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हैं अपने बच्चों को लेकर, सो लेट्स सी हाउ इज देयर एक्सपीरियंस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट द इवेंट? Yeah, since morning I think I've seen very good event organized by your team and IIT. Lots of kids, they are excited. I mean, they are demonstrating their skills, what they have learned here. I mean, practical skills they are trying to showcase. This is my second tech fest what I've seen. So this is one unique thing I've seen. Like, you already provided this robots to the students who can take it on rent basis and then they can perform as long as they have the right skills to win the competition. That's a good unique concept what you have introduced. And sir, as a parent, what do you think that what more should students gain value from these competitions? Yeah, I mean, by attending this event, students will get some additional exposure to the world, like how the world is, because right now they are in schools just within the class, like between 30-40 students nowadays, and they are focusing only on the curriculums, like the school curriculum, how to crack either IIT, JEE or NEET mainly. But this kind of events, they are bringing students to see a different kind of world. So that's a good exposure to them. I mean, it's very good event what I've seen. Really. So, यहाँ पे हमें शिवांश करके एक बंदा मिला है. He is sitting here from a long time on his laptop. So I was very curious what he is doing. So Shivansh, can you tell us what are you doing? I am programming my line follower robot. इसमें like ये line को follow करता है एक black line को white background पे. So इसमें PID का 8 sensors रहता है. इसमें black line पे ये 0 values देता है and white line पे 1 देता है. उस हिसाब से इसको calibrate करके program करना पड़ता है. और आप यहाँ कौन से competitions के लिए आए हो? फिलहाल मैं robo soccer के लिए and line follower के लिए आया हूँ. तो सेल्फ टॉट है ये सब? ग्रेट, दैट्स रियली नाइस। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन। तो अभी फाइनली रोबो रेस यानी कि ऑब्स्टेकल कोर्स खत्म हो चुका है। अभी फाइनली 5:30 बज चुके हैं, राउंड 1 खत्म हो गया है और अभी प्रिपरेशन चालू करवाने हैं राउंड 2 के, जिसमें अरीना फिर से बनाना है, दूसरा थोड़ा हार्ड करवाना है फाइनलिस्ट के लिए। और बच्चे बहुत ही अच्छा खेले, तो चलते हैं रोबो सुमो और रोबो सॉकर के अरीना की तरफ। उधर और एक चीज हो रही है, वो थोड़ा सा सरप्राइज है, देखते उधर जाके। तो यहाँ पे हम अभी आए हैं ग्राउंड पे, यहाँ पे रोबो सॉकर और रोबो सुमो के मैचेस चालू हैं और आरसी एक्सपीरियंस जोन भी सेटअप हो चुका है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे चालू है रोबो सुमो के फिक्सर्स, ट्रायल्स चालू है कि लाइक थोड़ा फेयर गेम हो, इसलिए हम डायरेक्टली कुछ नहीं ला रहे, हम
बॉट्स मेक श्योर कर रहे हैं, अपोनेंट मेक श्योर कर रहे हैं, उसके साथ मैटर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स को भी, हमें भी, सबको भी, है ना। They will do it easily. हेलो गाइस, तो आज डे टू है फ्लक्सस 2024 का और आज होने जा रहे ऑब्स्टा कोर्स और पिक एंड प्लेस के फाइनल्स। एडिशनली आज नाइट्रो थ्रस्ट यानी कि आज का रेसिंग भी होगा जहां पर कम्पीट करने वाले हैं 8 रेसिंग कार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो लेट्स गो, देखते हैं कैसे जाते हैं ये कॉम्पिटिशन और फाइनली कौन जीतता है ये। We are having the finals of Obstacles, Pick and Place and other events as well. Yesterday was a very fun event, but it was a real good day and things went very smoothly and the kids were lovely too. Okay, yesterday we had the Obstacles and Pick and Place and remaining other games. The games went very well and we enjoyed a lot, and Obstacles were played by most of the school students, so it was lovely day. Excited for today. Okay. Hello guys, kal hamara Pick and Place ka round 1 hua tha, right? Yes. तो उसके रिजल्ट सब आ चुके हैं, सो आप एक्साइटेड हैं? Yes. तो मैं रिजल्ट्स अनाउंस कर रहा हूँ राउंड 2 के, जो जो सिलेक्टेड लोग हैं मैं उनके नाम ले रहा हूँ। श्रेय महिंद्राकर, पार्थ पवार, जिन जिन के नाम ले रहा हूँ वो एक साइड आ जाए। तो ये हमारे 16 फाइनलिस्ट हैं, आज इनका राउंड 2 होगा और फिर हम जज करेंगे कौन है विनर। ओके, कैसे हो? कितने बजे आए थे आप लोग? हम लोग आए थे 8 बजे। ओके, और यहाँ पर आप कौन से कॉम्पिटिशन में आपने पार्ट लिया है? रोबो रेस। ऑल ऑफ अस आर इन रोबो रेस। रोबो रेस, ओके। ही इज इन पिक एंड प्लेस। यू आर इन पिक एंड प्लेस, ग्रेट। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आने के बाद? ट्रेनिंग वगैरह कैसा थी? मजा आया? हाँ, ये हुई ना बात। और अभी मैंने सुना है कि आपकी टीम राउंड 2 के लिए भी सिलेक्ट हो गई है। सिलेक्टेड हो यूरन? यस। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेड था? नहीं। कितने मिनट की ट्रेनिंग की आपने? 5 to 6 मिनट की ट्रेनिंग पर आपने राउंड 2 के लिए सिलेक्ट हो गए। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। तो ऑल द बेस्ट आपको आने वाले राउंड के लिए। ओके, तुमको ड्रोन बनाना आता है? नहीं, आपको आता है? आप इधर आ जाओ, आप हमारी टीम में हो गए। अभी इन लोगों से पूछते हैं, आप लोग को ड्रोन बनाना आता है? ये चीज मुझे पता है कि आपको पता है, आपको नहीं पता कि आपको पता है, आपके सर को पता है कि आपको पता है, इसको पता है कि आपको पता है, आपको पता है? नहीं। अभी समझ जाओगे 2 मिनट में कि कैसे बनाते हैं। ये जो तुमने अभी रोबोट भी देखा, रोबोट में भी जितने भी कंपोनेंट्स थे वो सबके साथ किसी एक कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड थे, वो क्या था? बॉडी। वैसे ड्रोन में भी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। अब अभी से जीत, तुम्हारा नाम जीत है क्या? अभी से इसका नाम क्या होगा? बॉडी। क्या होगा? बॉडी। आगे बॉडी। अभी ये बॉडी उड़ानी है, उड़ाने के लिए क्या चाहिए होगा? मोटर। क्या चाहिए होगा? मोटर। मोटर। अभी से आपका नया नाम क्या है?
मोटर लगा दी मोटर। ठीक है, ये जो मोटर है ना, ये मोटर हमारे किसी के इंस्ट्रक्शन नहीं सुनेगी। वैसे रास्ते पे जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस। जो प्लेन को उड़ाता है उसको क्या बोलते हैं? पायलट। तो जो मोटर के स्पीड को कंट्रोल करेंगे उसको क्या बोलेंगे? स्पीड कंट्रोलर। क्या बोलेंगे? स्पीड कंट्रोलर। ठीक है, तो ये जो मोटर होती है ना, मोटर के स्पीड को हमें कंट्रोल करना होता है, और वो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या? स्पीड कंट्रोलर। आ जाओ हमारे स्पीड कंट्रोलर। अब इनका नया नाम क्या है? स्पीड कंट्रोलर। आगे स्पीड कंट्रोलर। अपने ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला ट्रैफिक पुलिस। प्लेन को उड़ाने वाला पायलट। मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर। उसी हिसाब से जो ड्रोन की फ्लाइट होती है, फ्लाइट को कंट्रोल करने वाले को क्या कहेंगे? फ्लाइट कंट्रोलर। FC फ्लाइट कंट्रोलर। अब आ जाओ, हमारा फ्लाइट कंट्रोलर आ गया, तो आ जाओ। अब ये कुरकुरे उसकी तरफ फेंकना, आप कैच करना। देखो पकड़ा, ये कौन है? ट्रांसमीटर। इसने क्या ट्रांसमिट किया? कुरकुरे ट्रांसमिट किया, लेकिन एक्चुअल में वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है। और ये कौन है? रिसीवर। उसने क्या किया? अब ये किसको देगा सिग्नल? दो। ये किसको बताएगा आखिर में? किसके पास जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन है? तुम हो। खत्म। हाँ, और इन सब को चलाने के लिए एक और चीज चाहिए होगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। आ जाओ, आखिर में क्या जुड़ेगी? बैटरी। बैटरी क्यों जोड़नी है? ये सारे कंपोनेंट कौन से? मैकेनिकल की इलेक्ट्रॉनिक की? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को चलाने के लिए क्या चाहिए होगा? पावर। और वो पावर कहाँ से आएगी? बैटरी। समझ गए? मजा आया क्या? मजा आया। तो गाइस डे टू में होने जा रहा है नाइट्रो थ्रस्ट। हमारे नाइट्रो थ्रस्ट के हेड है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं थोड़ा। हाँ सर, तो क्या प्लान है आज के इवेंट? आज के इनका प्लान ऐसा है कि आप देख ही सकते हो पूरे अरेना रेडी है, और इस बार हमने पहली बार ट्राई किया कि कुछ अलग तरह से करें। तो जो आप ट्रैक देख रहे हो उसके ऊपर हमने इस बार सिंथेटिक मैट्स बिछाई है, ताकि जो कार से उनको भी प्रॉब्लम ना हो, और जो अमाउंट ऑफ ग्रिप उनको आज मिलने वाले बहुत बढ़िया मिलने वाले। तो आज जो रेसेस होंगे वो बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, और आज कुल हमारे पास 8 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये गेम बेसिकली 3 राउंड्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट राउंड टाइम बेस्ड होगा, हर एक पार्टिसिपेंट को 2 लैप करने होंगे। तो जो टॉप पार्टिसिपेंट होंगे, मतलब जिन्होंने 2 लैप कम से कम टाइम में कंप्लीट किया, वो सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई होंगे, जो सेमीज रहेंगे। सो 8 में से 6 लोग हम सेमीज के लिए क्वालिफाई करेंगे, 6 लोगों में 1v1 से 3 मैच रहेंगे। और फिर उन 3 मैचेस में से जो 3 लोग ऊपर आएंगे, दोस 3 पार्टिसिपेंट्स विल बी कम्पीटिंग विद ईच अदर इन आर मेगा फाइनल्स, जहाँ पे 3 कार्स एक साथ कम्पीट करेंगे इस इवेंट में, और वो 3 लैप का इवेंट। एक्सपीरियंस जोन के लिए जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी बिल्डिंग को बनाने के लिए नींव रखती है, वैसे ही उसी बिल्डिंग की नींव के लिए जो हमारा आरसी एक्सपीरियंस जोन था, उसके लिए हमें टायर्स की काफी ज्यादा गरज थी। हमने काफी सारे टायर्स के शॉप को रीच आउट किया, काफी सारे शॉप से बात किया, अबाउट मोर देन 20+, बट एट द एंड हमें एक ही शॉप मिली जिसका नाम था यूनिक टायर्स। और यूनिक टायर्स के मालिक शिव भाई, इन्होंने हमारी बहुत ज्यादा मदद की। लाइक नोबडी कैन इवन थिंक कि स्पॉन्सरशिप पे मोर देन 150+ टायर्स देना काफी बड़ी बात है। तो शिव भाई, लाइक जब हमने आपसे बात की थी, तो आपने मतलब क्या सोचा था एकदम से स्पॉन्सरशिप देने के लिए, कैसे कि आपने हमारी मदद की? देखो, इसके 2 बड़े रीजन हैं। एक तो कि जिस चीज के लिए आपको जरूरत थी, ये एक हेल्प है, ना कि कोई पर्सनल रीजंस के लिए या फिर कोई ऐसी चीज के लिए जिसकी वजह से हमें सोचने की जरूरत हो। दूसरी चीज कि हमारा सालों से काम यही है, जहाँ भी अगर कहीं हमें लगता है कि हमें हेल्प करना चाहिए, हम हमेशा करते हैं। जैसे आज ये जो चीज़ आप बोल रहे हो कि मेरा एक्सपीरियंस है कि इन्होंने हेल्प किए, ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि यूनिक टायर हमेशा हेल्प के लिए जाना जाता है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल A1 है। इसके लिए कई कस्टमर्स हमारे, जैसे कि आपको बता दें, कश्मीर तक के लोग हमसे जुड़े रहते हैं। कभी भी लाइफ में कभी भी आपको अगर ऐसी चीज़ की ज़रूरत लगे जहाँ बच्चों के भविष्य के साथ में अगर कोई चीज़ें जुड़ी हो, और उसमें अगर हमारी कोई हेल्प लगे और अगर हम कर सकते हैं, अगर कैपेबल है, तो हम बिल्कुल करेंगे। वेल, अभी जैसे आपने जब हमारे एक्सपीरियंस जोन को ट्राई किया, उसे आपने 2 अलग अलग गाड़ियां चलाई, है ना, एक शेवरलेट की थी और एक मॉन्स्टर ट्रक थी, तो वो चलाने के बाद में आपको कैसा फील हुआ? मॉन्स्टर में एक्चुअली मुझे ज्यादा अच्छा लगा और ज्यादा मजा मुझे उसमें आया है। और सेकंड चीज कि इसका जो ट्रैक था
तो मुझे लगा नहीं था इतना कि इतना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जब मैंने खुद ने चलाया उसको यूज किया तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और बहुत मजा आया। यूनिक टायर्स के जो मालिक थे शिव भाई, इन्होंने हमारी काफी ज्यादा मदद की। जब मैंने कॉल पे बात की, शिव भाई ने हमेशा मुझे अश्योरेंस दिलवाया कि पीयूष जी आपका काम पक्का हो जाएगा। और एट द एंड जब काम हुआ उसके बाद में हमें जो सुकून मिला और भैया के चेहरे पे जो खुशी थी वो बहुत देखने लायक थी। इसके लिए शिव भाई आपको बहुत ज्यादा थैंक यू। हेलो गाइस, तो अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी खत्म हो गई और विनर्स के चेहरे पे बहुत सारी खुशियां है, तो जानते हैं उनसे कि उनको अभी कैसा लग रहा है। इधर हमारे साथ है श्रेय भैया। कैसे लग रहा है फिर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस जो जीडेट ने प्रोवाइड किया इस इवेंट में, जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो एकदम बढ़िया था। उन्होंने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जो मैनेजमेंट थी एकदम परफेक्ट थी, डिसीजन एकदम बराबर थे, फेयर थे, और कंपटीशन भी टफ थी, लेकिन फिर भी विन द कंपटीशन। आई एम फीलिंग वेरी गुड, नाइस टू बी हियर एट IIT इंदौर विद संजीवनी एकेडमी हियर। I also appreciate GDET's effort for this competition, for organizing Fluxus. Thank you. Hello. So he is the winner for which event? Chicken Place. Chicken Place first runner up. So how are you feeling? I am feeling very happy and very excited for next future events. कैसे लगा इस इवेंट का एक्सपीरियंस फ्लक्सस में? फ्लक्सस में बहुत मजा आया, GDET तो क्या ही बोलूं, बहुत मजा आया। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। और आई वुड लाइक टू थैंक GDET आल्सो फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू दिस इवेंट। हम इंदौर आए, हमें बहुत मजा आया, हमने बहुत सारे इवेंट्स और एक्टिविटीज की, बहुत मजा आया एंड थैंक्स टू GDET। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, देख सकते हो बहुत दिन चलना चला गया, मेरी आवाज भी चली गई है, और हम सब इंडियन वाले ने बहुत मेहनत की है सब ट्रॉफीज के लिए। एंड रियली थैंक आवर मैनेजमेंट एंड ऑल द टीम फॉर अरेंज सच एन अमेजिंग इवेंट फॉर अस। इट्स आवर विनर, बट वी हैव रैन टोनी हियर, ही इज एक्सपर्ट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, सो लेट्स सी व्हाट ही वांट्स टू टीच अस। व्हाट वुड यू लाइक टू टीच अस सीनियर इनकम सेक्शन? In my English accent, I would just like to say, just practice speaking and use Duolingo English. You can actually learn quite good English with that. So yeah, good luck. समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। That's all I have to say. समझ भी नहीं आया पर मजा आया। So we have been asked for Robo Women, Robo Soccer also. So let's talk to them. How was the experience? It was nice actually. Experience was great. I won the match, so I'm feeling good. Very good. It was fine और timely भी था event. ये चीज के लिए भी appreciation है कि सब कुछ चीजें time पे हो गई, last day तक extend नहीं हुआ कुछ भी चीज, तो ये एक plus था event के लिए, तो काफी अच्छा experience है। Fluxus में पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू। आई होप कि जो पूरा इवेंट का स्ट्रक्चर था वो स्मूथ था आपके लिए और आपने एंजॉय किया, स्पेशली वी इंट्रोड्यूस द स्कूल कैटेगरी टू प्रोवाइड यू गाइस अ प्लेटफॉर्म टू कम्पीट एंड पार्टिसिपेट। सो आई गेस कि यहाँ पे से आप कुछ सीख के गए होंगे। आई विल जंप ऑन टू द रिजल्ट्स। तो सबसे पहले पिक एंड प्लेसेस स्टार्ट करते हैं। द सेकंड रनर अप फॉर पिक एंड प्लेसेस अथर्व बजाज। नेक्स्ट आई लाइक टू कॉल द फर्स्ट रनर अप, दैट इज पार्थ पवार। विनर फॉर पिक एंड प्लेसेस ईशान क्षीरसागर। Moving on to the event of obstacles, the second runner-up is Shreya Mahindrakar. Okay, now moving on to the runner-up, the second place has been received by Neil Kate. The winner of obstacles event, the winner is Operator Spandan and team member Swarib. Now for the event of Nitro Thrust, the third place for the event of Nitro Thrust is Pilot Sairaj and his pitman Meet. Second place for the event of Nitro Thrust, the runner up is Pilot Sai and his pitman Prashant. The winner of the event Nitro Thrust,
द फर्स्ट प्राइज गोज टू पायलट राजविका एंड हर पिटमैन आ रहे हो। होप यू ऑल कम नेक्स्ट ईयर एज वेल, लेट्स हैव मच मोर फन, ओके। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थैंक यू टीम GT8 फॉर हेल्पिंग अस इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट एंड ब्रिंगिंग सो मेनी पार्टिसिपेंट्स।